हाय गाइस, तो आज मैं तुम लोगों के लेकर आया हूं एक नए हेडफोन्स जो कि मेलोमीन की तरफ से आते हैं एंड ये है इनके ओपरा हेडसेट। अब ऑलमोस्ट एक महीने से मैं यूज कर रहा हूं तो इसके इन एंड आउट एंड सब कुछ रिग्रेस टेस्टिंग करने के बाद मैं लाया हूं। एंड अगर तुमको वीडियो के शुरू में ही इसका कंक्लूजन जानना है देन दिस इज अ मस्ट बाय। तो चलते शुरू करते हैं एंड शुरू करते हैं इसके अनबॉक्सिंग के साथ। तो अगर आगे की तरफ देखें तो यहाँ पे मेलोमीन की ब्रांडिंग मिल रही है, ये तुम्हारा प्रॉपर हेडफोन है, गूगल और सिरी दोनों का सपोर्ट है, बढ़िया बात है यार। अब अगर पीछे की साइड देखेंगे तो अर्गोनॉमिक डिजाइन है, प्योर बेस साउंड है, ब्लूटूथ 5.0 है, लॉन्ग रेंज कनेक्टिविटी जो कि 10 मीटर की है, बट अगर तुम अमेज़न की वेबसाइट देखोगे तो वहां पे तुम्हें 15 मीटर दिखा रखा है। तो कौन सा सही है मेलोमीन? इसके लिए हमने टेस्टिंग करी है तो घबराना मत। साथ में तुम्हें ऑक्स का सपोर्ट भी मिल रहा है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है 24 घंटे की, तो यहां पर भी मत घबराना, हम लोग यहां पर भी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो अब जल्दी से इस बॉक्स को खोल लेते हैं। बॉक्स यार पूरा पेपर बॉक्स में है, प्लास्टिक बॉक्स नहीं है, विच इज नाइस काइंड ऑफ। तो ये यहां पर कुछ नहीं आता, खाली बॉक्स है, और यहां पर प्रॉपर मेलोमीन का हार्ड बॉक्स आया विच इज एक्चुअली नाइस। अगर तुम यहां पे देखोगे तो मेलोमीन की ब्रांडिंग है बहुत सटल सी, बहुत अच्छी है, स्मूथ फिनिश है, हर तरीके से बेटर है। जिप भी देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं है जिप में भी। तो यहां पे देखोगे तो जिप लॉक के लिए तुम्हें एक कीचेन मिल रही है, बढ़िया बात है। प्रॉपर हेडफोन जो तुम्हें मिलने ही थे वो तो थे ही इसमें। साथ में तुम्हें एक मैनुअल मिल रही है, मैनुअल में क्या है भाई, कैसे कनेक्ट करना है वो सिखा रहे हैं, और साथ में दो कार्ड जिसमें एक साल वारंटी का है और दूसरा मेलोमीन के बारे में बताया गया है। तो तुम्हें इसमें यहाँ पे एक ऑक्स की केबल भी मिलेगी और साथ में एक चार्जिंग केबल भी मिलेगी, बट जो चार्जिंग है वो तुम्हारी माइक्रो यूएसबी है ना कि टाइप सी। अब अगर मेलोमीन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होने वाला था तो यार टाइप सी देना चाहिए, मोबाइल में भी आजकल वही आ रही है, तो आई गेस तुमको चार्जिंग केबल एक्स्ट्रा लेके जानी पड़ेगी अपने साथ। बट इतनी सी केबल है, आई डोंट थिंक सो किसी को इश्यू होगा इतनी सी केबल ले जाने में, राइट? तो पैकिंग तो बहुत अच्छे करके दी है और केस वेस भी प्रॉपर लगा के दिया है, नॉट बैड। इसको भी साइड करते हैं। अब अगर तुम इनको देख रहे हो तो बिल्कुल प्रीमियम फिनिश है, कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है, ओपरा की यहाँ पे बैंडिंग, मेलोमीन की यहाँ पे, और वायरलेस तो ये दिख ही रहे हैं सामने से, है ना। और अगर इनको तुम्हें लेके जाना है तो देखो पोर्टेबल कर लो, बहुत छोटे तरीके से उसी बॉक्स में आ जाएंगे, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी भी और बॉक्स को कैरी करने की, दैट इज़ ऑल्सो नाइस। अब अगर तुम बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो पूरी प्लास्टिक बिल्ड है, कहीं से भी मेटल नहीं है कुछ भी, बट अगर तुम हिंज यहाँ पे देखोगे ये मेटालिक हिंज है जो कि इसको बहुत ड्यूरेबल बनाता है, तो यहाँ पर तुम रेस्ट श्योर रह सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने बहुत अच्छे से इसको चलाया काफ़ी देर तक। और बटन्स यहाँ पे देखो, पावर ऑन प्लस माइनस। अब ये बटन थोड़े प्लास्टिकी से हैं यार, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बटन देने चाहिए थे, बट देखो अभी तो इसमें यही है। बाकी कुशन की बात करें तो कुशन इज़ प्रिटी फर्म, कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी फोम तो नहीं है बट प्राइस वाइज यार बहुत ही अच्छा फोम है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट वॉफ्ट है। जो आपके हेडबैंड वाला कुशन था वो थोड़ा सस्ता लगा यार मुझे, क्योंकि यहाँ से ना अगर तुम देखोगे तो प्रेस्ड रह गया है हल्का सा, बाकी वैसे बहुत सॉफ्ट है ये भी। वेल कान वाला मुझे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लगा कंपेयर टू हेड वाले से, बट देखो दोनों ही बढ़िया हैं। और यहाँ पे देखोगे तो माइक्रो यूएसबी का पोर्ट है, ऑक्स का पोर्ट है, माइक का ऑप्शन है, तो देख लो। अब अगर डिज़ाइन की बात करें तो जो हल्की सी फिनिश मिली है ना यहाँ पे मेलोमीन की, ये बहुत ही सेक्सी लगती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वैसे भी जो इसका फिनिश है वो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बाकी देखो ये राइट के लिए, ये लेफ्ट के लिए, ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, और पोर्टेबिलिटी में भी इसका जवाब नहीं। तो अब बात करते हैं किसी भी हेडफोन की दूसरी सबसे बड़ी चीज़ की, वो है इसकी साउंड क्वालिटी। तो यार जेन्युइनली बताऊं तो इसका साउंड ना बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, ठीक है। बेस चाहिए तो बेस है और हैवी बेस भी है। दूसरा पॉइंट क्लैरिटी, अब ये एक चीज़ है जो बहुत सारे हेडफोन्स में मिसिंग होती है, बेस तो देते हैं बट क्लैरिटी नहीं देते, यहाँ पर वो है। यानी कि जब तुम हाई ट्रेबल पर होगे या फिर वोकल सुन रहे होगे ना, तुम्हें साउंड इतना क्रिस्टल क्लियर और अलग से सुनाई देगा, एक एक बीट तुम मतलब सुन सकते हो, ये मैं मतलब तुम्हें सुना नहीं सकता यहाँ से, बट ट्रस्ट मी इसके साउंड क्वालिटी इज लाइक अनकॉम्प्रोमाइज इन दिस प्राइस सेगमेंट। और ब्लूटूथ तो है, यहाँ तो ये बिल्कुल ही बहुत अच्छे से आउटशाइन कर रहा है। अब बात करें इसके रेंज की कि कितनी रेंज तक ये परफॉर्म कर रहा है, तो गाइज मैंने यहाँ पर इसको आराम से एक रूम से दूसरे रूम तक यूज़ करा है, बहुत आराम से हो रहा है। बट हाँ, मैंने स्पेसिफिकली इंची टेप लेके नापा नहीं है कि कहाँ तक ये जा रहा है, बट जितना मुझे लगा एक डेली यूज में तुमको बिल्कुल भी इसका सिग्नल ड्रॉप होता हुआ बिल्कुल फील नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, ब्लूटूथ 5 मिल रहा है यार। तो अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है बैटरी लाइफ। किसी भी ब्लूटूथ वायरलेस हेडसेट की बैटरी लाइफ इज लाइक की। अब देखो इसकी बात करें तो जेन्युइनली
कंपनी क्लेम करती है 3 घंटे का चार्जिंग टाइम ये लेता है, और मैंने इसको चार्ज करा कई बार, मेरा भी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटा लग गया। बट ये तब है जब तुम 0 to 100 चार्ज करोगे, और कॉम्प्रोमाइज यहां पर नहीं है, इसका फायदा भी है क्योंकि इसमें बैटरी है 400 mAh की एंड तुम्हें आराम से 20 घंटे का बैटरी लाइफ तो नॉन स्टॉप ये दे ही देगा। तो यहां पर तुम लोग रेस्ट एश्योर्ड रहो। एंड एक चीज जो काफी लोग इसमें इग्नोर कर देंगे वो है इसमें तुम्हें गूगल और सिरी दोनों का सपोर्ट मिलता है। तो अब एक बार एंड्रॉयड से भी बात कर ली जाए। ओके गूगल, एंड जैसा कि तुम देख रहे हो मेरे मोबाइल ने डिटेक्ट कर लिया है, यहां पे बहुत अच्छे से काम चल रहा है। टेल मी अ जोक। तो देखो जैसे कि तुमने देखा जस्ट यहां पर तुम मेरे देख रहे हो, मेरे मोबाइल डिटेक्ट कर लिया, पूरा का पूरा डिटेक्ट कर लिया है तुम्हारे सामने, अभी यहां पर मैं कर रहा हूं। एक बार मेरी वॉइस डिटेक्ट करते हैं केवल। व्हाट इज द वेदर आउटसाइड? इट्स 28 विद फॉग टुनाइट, द फोरकास्ट इज अराउंड 27 डिग्रीज एंड पार्टली क्लाउडी। तो जैसा कि तुम देख रहे हो बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे काम भी कर रहा है, साउंड में भी बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से तरीके से चल रहा है एंड दोनों तरीके से काफी अच्छा चल रहा है। तो अब बात करते हैं कि मुझको पर्सनली ये कैसा लगा। तो गाइस आइसोलेशन के मामले में ये उतना अच्छा नहीं है, यानी कि अगर तुम इसको जिम में स्पेसिफिकली देख रहे हो तो मैं बोलूंगा कि यार बाहर जो गाने चलते हैं जिम में भी अच्छे अच्छे चलते हैं, तुम्हें उसके गाने की आवाज सुनाई देगी, और ऑब्वियसली यार एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ये नहीं दे प्रोवाइड करते और कोई भी नहीं करता इस प्राइस पॉइंट पे, तो उस सेंस में इसको मत समझना। बट अगर तुम घर में बैठे हो या फिर रास्ते में जा रहे हो या फिर मतलब तुम्हें एक साउंड कंपेनियन चाहिए जो कि सुबह चार्ज करो और रात तक भी क्या 2 दिन तक आराम से चले, तो दिस हेडफोन्स आर फॉर यू। तो एंड करते हैं इसके साथ हमारी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें कुछ मजा आया हो, मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।